हेलो इंटेलिजेंस, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गुड। दिस इज़ अक्षय चोपड़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्षय चोपड़ा मैथ्स, जहां बेटा हम क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ्स डिस्कस कर रहे थे। उस सीरीज़ में हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री पर, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज हम वो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम उस चैप्टर की करेंगे इंट्रोडक्शन। आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की करेंगे इंट्रोडक्शन। वाह, ठीक है। तो उससे पहले बेटा जितने भी चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं, ठीक है ना, सबकी प्लेलिस्ट का लिंक प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, बेटा ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो डिस्क्रिप्शन में विज़िट करना, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना, ताकि आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सको, और पिछले चैप्टर्स भी ज़रूर देखना। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या, सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। क्या है जी वर्ड, क्या हमारा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्री है, ये हमारा वर्ड है ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ का वर्ड है, ग्रीक का वर्ड है। ग्रीक मतलब जो ग्रीस है ना, ठीक है, ग्रीस कंट्री है ना, जिसकी कैपिटल क्या, पेरिस। ओके, अब देखो ये वहाँ के वर्ड्स हैं, ये तीन वर्ड से मिलके बना है। एक है ट्राई, ट्राई का मतलब होता है थ्री। एक क्या है गोन, गोन का मतलब होता है साइड्स, ठीक है। अब जैसे इतना नाम से क्लियर है, ट्राई मतलब थ्री, गोन मतलब साइड्स, यानी कि ये जो भी ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है ये थ्री साइड वाली फिगर पे होगा एप्लीकेबल। तो थ्री साइड वाली फिगर हमारे पास कौन सी होती है, ट्राइंगल, ठीक है जी। और ये क्या है, ट्राई गोन और साथ में क्या बचा, मिट्री। मिट्री का मतलब, ठीक है, क्या बचा, मिट्री जो मेट्रोन शब्द से लिया गया, इसका मतलब होता है मेजर, मतलब एंगल्स। अब मेजर किसका करना है, साइड्स का और एंगल्स का, ठीक है। मेजर किसका करना है, साइड्स का एंड एंगल्स का, ठीक है जी। तो अगर हम जैसे इन तीनों वर्ड को स्प्लिट करके हमने लिखा, तो इससे हमारी डेफिनेशन क्या बनी ट्रिग्नोमेट्री की। एक तो ये पता चल गया कि ये थ्री साइड वाली फिगर है, और दूसरा ये मेजर मतलब साइड्स और एंगल का मेजर काउंट करता है। तो क्या बोलेंगे इसको, कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ दी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है दैट गिव्स रिलेशन, ठीक है, जो हमें क्या बताती है, रिलेशन किसके बीच में, दैट गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। एक ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच में हमें ये रिलेशन बताता है। अब ये कैसे बताता है, वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सीखेंगे, ठीक है। अच्छा एक नोट है बेटा, नोट क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री, क्या नोट है कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ एप्लीकेबल, ट्रिग्नोमेट्री इज़ एप्लीकेबल आपके लेवल पे ओनली टू राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है जी। जो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल्स होती हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ा ना, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती हैं, जिसमें एक एंगल 90 का होता है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है सिर्फ उसी पे वैलिड होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी क्लास का काम रिवाइज करवा देता हूँ, 2 मिनट का काम है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग प्यार से, क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, लो जी ये आ गई राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, कुछ भी है, ये उसका हाइपोटन्यूज है, ये उसके पास बेस है, ये उसके पास परपेंडिकुलर है, ठीक है। कोई भी आप ट्राइंगल ले लो, एक्स वाई जेड करके, आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसका राइट एंगल कहाँ पे है, वाई पे, बेस है, हाइपोटन्यूज है, परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमें, कि अगर हम हाइपोटन्यूज का स्क्वायर करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, अगर बेस का स्क्वायर करके और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके उसको कर दिया जाए ऐड। ये होती है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी। पाइथागोरस हमारे मैथमेटिशियन थे, ठीक है जी, बेसिकली इनकी कम्युनिटी थी पाइथागोरियन, वो आगे बड़ी हिस्ट्री है, इंटरेस्टिंग काम है, ठीक है। मैथ्स की हिस्ट्री को भी जाना करो एसएसटी के साथ साथ, ठीक है।
तो पाइथागोरियन थे, कम्युनिटी थे, उनके हेड थे कोई पाइथागोरस, ठीक है, उन्होंने ये थ्योरम बनाई थी, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, वैलिड। अच्छा, ये भी वैलिड ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि आपके पास हाइपोटन्यूज बेस पर पेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही आता है ना, बाकी किसी ट्रायंगल पे नहीं आता। तो दिस इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू राइट एंगल ट्रायंगल ओनली, ठीक है। अब एक बार आपको बता देता हूँ, जैसे ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है, लो जी, ठीक है, ये कोई भी है, मान लो वाई जेड एंड एक्स, ठीक है बेटा, ये जो लॉन्गेस्ट साइड होती है दैट इज़ हाइपोटेन्यूज, इट इज़ दी लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, बाकी दोनों जो बेस और परपेंडिकुलर हैं इसके बराबर भी नहीं हो सकते, ठीक है, इससे बड़े होना तो दूर की बात है, इस हाइपोटेन्यूज के ये बेस और परपेंडिकुलर बराबर भी नहीं हो सकते, ठीक है, अदरवाइज ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है ना। और जो भी हम कोई एंगल ले रहे हैं जिसके विद रिस्पेक्ट टू हमने देखना है, ठीक है, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और वो वाली साइड क्या होती है, बेस। अब आप बोलोगे सर ये क्या कह दिया आपने, नीचे चलते हैं थोड़ा सा, लो जी अब देखते हैं कि ये हमने क्या कहा। सबसे पहले हम देखते हैं क्या चीज़ बेटा, टी रेशोस, ठीक है, क्या देखते हैं हम, टी रेशोस, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, ओके, ये क्या है बेसिकली अपने पास, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, जिनको शॉर्ट फॉर्म में टी रेशो बोलते हैं। अब ये चीज़ें क्या हैं, ये देखो, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ओके, मान लो ये आपके पास है ट्रायंगल ए बी एंड सी, ओके, और ये जो आपका सी एंगल है, आप छोटी क्लास में पढ़ते हो ना, जैसे ये 90 डिग्री एंगल है, ये आपका कौन सा एंगल है, मान लो ये 30 डिग्री का एंगल है, कुछ भी है, यहाँ पे इस एंगल को क्या बोल देते हैं, कई कई बार ये बोल देते हैं थीटा, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, थीटा, क्या बोलते हैं, थीटा, समझ गए, कई लोग इसको जैसे ऐसे हम क्यों डालते हैं ना, तो ऐसे डाल दिया करो ऐसे करके, इसको बाहर नहीं निकालना, ठीक है, कई लोग इसको ऐसे करके कर देते हैं, ठीक है, कई लोग इसको ऐसे भी कर देते हैं, बात को समझ रहे हो ना, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड थीटा, क्या बोलते हैं इसको, थीटा, ठीक है जी। अब इन टी रेशोज़ के बारे में थोड़ा जानते हैं नेक्स्ट पेज पे आराम से। देखो ये होती क्या है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजी चैप्टर है पूरी बुक में, मैं समझता हूँ, बच्चे पता नहीं क्यों डरते रहते हैं इससे, कुछ है नहीं कुछ इसमें, ठीक है ना। देखो ये आपके पास एक ट्रायंगल आ गई, लो ये मान लो ए बी सी है, ओके, देखो बेटा हमने ये निकालना है साइन, ठीक है, ये होता है साइन, सबसे पहले मैं शॉर्ट फॉर्म और सबसे पहले फुल फॉर्म बता देता हूँ, साइन है, ठीक है, साइन को क्या लिखते हैं हम शॉर्ट में, SIN, ठीक है, एक को साइन होता है, को साइन को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, कोज, ओके, एक क्या होता है, टेंजेंट होता है, टेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, टैन, ओके, उसके बाद क्या है, साइन का रेसिप्रोकल कोस सीकेंट आ जाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, कोसेक, ओके, फिर क्या आता है हमारे पास, सीकेंट आता है, ये छः होते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सेक, ठीक है, और लास्ट में क्या आता है, कोटेंजेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हम लोग, कोट, ओके। और बेटा ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं ये एंगल के बगैर नहीं होती, ये एंगल के बगैर नहीं होती, जैसे यहाँ पे एंगल सी है तो ये क्या बनेगा, साइन सी, जिसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे साइन सी, ये कोसाइन सी है जिसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे कोस सी, ये टेंजेंट सी है जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे टैन सी, ठीक है, ये कोसेकेंट सी है जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कोसेक सी, ये सीकेंट सी है जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे सेक सी, ठीक है, ये कोटेंजेंट सी है जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कोट सी, ठीक है। अच्छा बेटा एक बात ध्यान में रखना कि ये जो एंगल्स हैं ये कौन सा एंगल होता है, ये हमेशा वही वाला एंगल होता है जो 90 के सामने होता है, ये हमेशा कौन सा एंगल होता है बेटा, जो 90 डिग्री के सामने होता है, ठीक है, जो ये देखो जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली, सबसे पहले मैं बता दूँ परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज कैसे देखते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के एंगल की बिल्कुल सामने वाली साइड है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है
जो इन साइन कोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ लगा हुआ है। इसके सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और जहाँ पे ये दोनों एंगल हैं दैट इज़ कॉल्ड बेस। बात को समझ गए, ठीक है। सबसे पहले तो ये सीखो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस को देखते कैसे हैं। जो 90 का एंगल है उसके बिल्कुल सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, जो एंगल जिसकी मेजरमेंट हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ, ठीक है, तो उसके सामने वाला साइड होती है दैट इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड है दैट इज़ दी बेस, ठीक है। अब देखो इनकी वैल्यूज़ कैसे आती हैं, इसको हमने फाइंड कैसे करना है। देखो बेटा इसको मैं यहीं पे बता दूँ, क्योंकि फिर ट्रायंगल ऊपर रह जाएगी, ठीक है ना, ट्रायंगल फिर ऊपर रह जाएगी। यहाँ पे देख लो, सबसे पहले क्या आता है बेटा, हमने इसमें एक चीज़ याद करनी होती है, कैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। कैसे याद करना है इसको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब ये क्या चीज़ है भाई, ये मंत्र क्या है, ये मंत्र क्या है, ये साइन कोसाइन की वैल्यूज़ याद करने का मंत्र है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने थीटा एंगल बोल दिया, तो अपना जो साइन थीटा है ये देखो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है साइन, इसका मतलब होता है कोसाइन, और इसका मतलब होता है टेंजेंट। अब आप बोलोगे सर ये तो तीन वैल्यूज़ आई हैं, लेकिन हमारे पास तो ये नीचे वाली तीन भी हैं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। बेटा पहले ये तीन देख लो, अगली तीन अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है बेटा, ये डिवाइड करना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज़ वो साइन थीटा होता है, समझ गए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज़ वो साइन थीटा होता है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है ए बी, हाइपोटन्यूज़ क्या है ए सी, यानी ये क्या बन जाएगा ए बी अपॉन ए सी। बात को समझ गए। उसी तरह से अगर हम कोसाइन थीटा की बात करें, कोसाइन थीटा क्या होगा, ये रहा सी फोर कोज, बेस अपॉन हाइपोटन्यूज़ वो कोसाइन थीटा होता है, क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटन्यूज़, ठीक है। बेस कितना है बी सी, हाइपोटन्यूज़ कितना है ए सी, ये बन जाएगा बी सी अपॉन ए सी। अच्छा हर क्वेश्चन में ये ए बी ए सी नहीं लिख देना, ये तो ट्रायंगल है ना, अगर ट्रायंगल पी क्यू आर लिख दी तो फिर आपका इधर भी चेंज हो जाएगा, ये तो बस एक एग्जांपल चल रही है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, टेंजेंट थीटा, टैन थीटा, ठीक है। टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ये रहा। अब परपेंडिकुलर क्या है ए बी, और बेस क्या है बी सी, तो ये बन गया ए बी अपॉन बी सी, समझ गए, ये तीन वैल्यूज़ तो आ गई। अब देखो बेटा इसको कोशिश करना ऐसे सीरियल ऑर्डर में याद रखो, क्यों, इसका मतलब देखो क्यों है, अगर हम मैं कोसिकेंड थीटा की वैल्यू निकालूं, बेटा जो कोसिकेंड थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होने का मतलब हाइपोटन्यूज अपॉन बेस हो गया, ठीक है, यानी कि ए सी अपॉन ए बी हो गया, ऐसे करके तुमको याद करना ईजी रहेगा। फिर दूसरे नंबर पे कोस लिखा था, अब कोस का रेसिप्रोकल लिख दो जो कि क्या होता है सीकेंड थीटा, तो सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाइपोटन्यूज अपॉन बेस, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी, ओके। लास्ट में क्या है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल लिख दो कोटेंजेंट थीटा, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बी सी अपॉन ए बी, क्या बन जाएगा ये बी सी अपॉन ए बी, ओके। ये छः की छः वैल्यूज़ आ गई ना, आपने क्या करना है, आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होगी, आपने परपेंडिकुलर हाइपोटन्यूज़ बेस पहचान लेना है, और फिर ये रफ़ में लिख लेना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। याद करने का तरीका ये, आप अगर कोई और निमोनिक हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मुझे भी सीखने को मिलेगा कुछ नया, ठीक है ना। तो अगर कुछ और हो तो वो भी लिख देना निमोनिक बन जाए तो। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला था कि जो कोसिकेंड थीटा है वो क्या होगा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, ठीक है जी। सिमिलरली जो हमारे पास सिकेंड थीटा है दैट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा, सिमिलरली जो हमारे पास कोटेंजेंट थीटा था दैट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा, ओके। तो यानी कि अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मतलब अगर कोसिकेंड थीटा और साइन थीटा को मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा ऑब्वियसली, सिकेंड थीटा और कोस थीटा को मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा ऑब्वियसली, सिमिलरली कोट थीटा और टेंजेंट थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा ऑब्वियसली, ओके, ठीक है ना। तो
तो ये था हमारे पास एक तो फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले तुमने क्या सीखना है, यही सीखना है, इसको दोबारा दोबारा देखना, एक तो इसको लर्न करना है। और ये भी शुरू में ज़रूरत पड़ेगी, जब आपके पास प्रैक्टिस हो गई ना फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो आपको याद ही हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा आता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा आता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट थीटा आता है, और बाकी तीनों क्या हो गए उसके रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इसको याद भी इसी तरह करना सीरियल ऑर्डर में, कोशिश हो तो, कि जैसे साइन कोस टेंजेंट, फिर साइन का रेसिप्रोकल, उसके बाद कोज का रेसिप्रोकल, उसके बाद टेंजेंट का रेसिप्रोकल, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ आगे। एक चीज़ तुमको बतानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चंस में बहुत यूज़ होती है, कि बेटा जो टेंजेंट थीटा ना उसका एक और फॉर्मूला भी होता है, कि साइन थीटा और कोज थीटा को अगर हम कर दें डिवाइड, साइन थीटा और कोज थीटा को अगर हम कर दें डिवाइड, ठीक है। आप इसका छोटा सा प्रूफ भी देख सकते हो, प्रूफ तो क्या है, एक याद रखने का तरीका है। बेटा ये देखो टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस था ना, अगर हम इसको लिख लें फिर से पंडित बद्री प्रसाद को, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि ये जो टेंजेंट थीटा है ये क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस था ना। अब अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ, साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये लो जी। एंड अगर मैं कोस थीटा की बात करूँ, कोस थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लो जी, समझ गए। अब टेंजेंट थीटा क्या कहता है, कि वो साइन और कोस का डिवाइड है, लो तो अब इनको डिवाइड कर दो, साइन थीटा बाय कोस थीटा, अगर इनको डिवाइड करोगे तो यह क्या बन जाएगा, पी बाय एच डिवाइड बाय बी बाय एच, ठीक है। ये बी बाय एच का रेसिप्रोकल हो जाएगा, पी बाय एच इंटू एच बाय बी, ऐसे ही तो करते हैं। तो ये एच और एच आपस में डिवाइड हो गया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, जो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा था उसकी वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, पी अपॉन बी। अब ध्यान से देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, साइन थीटा बाय कोस थीटा भी परपेंडिकुलर ओवर बेस है, टेन थीटा भी परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये हमारा रिजल्ट ट्रू हो गया ना, कि जो टेंजेंट थीटा है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है कि जो कोटेंजेंट थीटा है, कोड थीटा है, वो टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है ना, तो यानी कि जो कोटेंजेंट थीटा होगा वो कोज अपॉन साइन हो जाएगा, ठीक है। अगर टेंजेंट थीटा साइन थीटा ओवर कोज थीटा है, तो कोड थीटा उसका रेसिप्रोकल है, वो कोज थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा, यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर। चाहो तो इसको भी ऐसे ही प्रूव कर सकते हो, कोज को ऊपर रख लो, साइन को नीचे रख लो, कटिंग कुटिंग कर दो, तो आपका बी अपॉन पी बन जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी इजी चीज़ें हैं, बिल्कुल ही इजी इजी चीज़ें हैं। अब चलते हैं बेटा आपके मेन काम की तरफ, जो सेकंड, ये जो काम था ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए था, अब सेकंड एक्सरसाइज में क्या काम आएगा वो देखो। ट्रिग्नो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, क्या कहते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। बड़ा मज़ेदार टेबल है, इसको याद कर लोगे तो मैं कहता हूँ चैप्टर ख़त्म, चैप्टर के पल्ले ही कुछ नहीं, ठीक है। देखो हम कैसे बनाएंगे इसको, ये देखो तुमको याद करने का भी तरीका बताऊँगा। देखो इसको कैसे याद करेंगे, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ थीटा, ठीक है, ये जो है ये है मेरा एंगल थीटा, ओके, और ये एक मिनट बस मुझे टेबल बनाने दो, ये ठीक है। इससे आपको, चाहता तो मैं पहले भी बना के रख सकता था, लेकिन मैं अभी इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए अगर ज़रूरत पड़े बनाने की तो कैसे बनाना है। एंगल हमारे पास पांच तरह के होंगे, 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, और लास्ट में क्या है हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। ये पांच तरह के एंगल्स हैं हमारे पास, इन पांचों एंगल पे हमें वो जो हमने अभी किया था ना साइन कोज वगैरह, उन सब की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, समझ गए, उन सब की क्या हमने वैल्यूज़ देखनी है, ठीक है। अब वो कैसे देखेंगे, बड़ा ही इजी और बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम है, ठीक है। कैसे है वो इधर देखो ज़रा ध्यान से, टेबल हो गया कंप्लीट। देखो एंगल क्या क्या थे हमारे पास, सीरियल ऑर्डर में उसी तरह याद रखना है जिस तरह मैं कह रहा हूँ। क्या था हमारे पास, सबसे पहले साइन थीटा, उसके बाद क्या था हमारे पास, कोस थीटा, उसके बाद क्या था हमारे पास, टेंजेंट थीटा, ओके। फिर
क्या था हमारे पास, साइन का रेसिप्रोकल दैट इज कोसेकेंट थीटा, ठीक है, फिर कोस का रेसिप्रोकल दैट इज सेकेंट थीटा, और लास्ट में टेंजेंट का रेसिप्रोकल दैट इज कोटेंजेंट थीटा। समझ गए इस बात को, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखना कि ये हो क्या रहा है। बड़ा ही ईजी है, बड़ा ही ईजी टेबल है। अगर ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे इसको देखोगे ना टेबल को, ये कभी टेबल नहीं भूलेगा आपको। देखो कैसे लिखना है इसको। अब बेटा कि जो आपका साइन थीटा बाय कोस थीटा आता है, ये देखो वो टेंजेंट थीटा आता है, उसकी बात थोड़ी बाद में करेंगे। इसको देखो पहले क्या करना है। देखो क्या लिखोगे इसको, इसको पहले लिख लो 0/4, इसको लिख लो 1/4, इसको लिख लो 2/4। ये अगेन बिगनर्स के लिए है, मतलब याद करने का तरीका, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको टेबल बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए, ऐसे ही हो जाएगा। देखो कैसे याद करनी है वैल्यूज़, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। ओके देखो रूट अलग अलग, जीरो का रूट क्या होगा, 0/समथिंग क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो 0 आ गया आंसर। 1/4 का रूट 1/2 बन जाएगा, क्योंकि रूट 1 कितना होता है, 1 होता है, और रूट 4 कितना होता है, 2 होता है। अब रूट 2 कितना होता है, इसको इधर देखो, रूट 2/4 है, इसकी कटिंग हो जाएगी 1/2 आ जाएगा ना, इसकी कटिंग हो जाएगी 1/2 आ जाएगा, यानी 1/√2 अपना आंसर आ गया, ठीक है। 60° की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2, और ये कट गया 1 हो जाएगा, तो साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब इसको याद कैसे रखना है, साइन 0° 0 होता है, साइन 30° 1/2 होता है, साइन 45° 1/√2 होता है, साइन 60° √3/2 होता है, साइन 90° 1 होता है। इसको याद ऐसे रखना है, बात को समझे, इसको ऐसे याद रखना है, ये वैल्यूज एज इट इज़ याद रखना, बहुत काम आने वाली हैं, इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब दूसरी लाइन देखो कोज वाली, कैसे याद करनी कोज वाली। देखो बेटा कोज के लिए उल्टी लाइन दौड़ा देनी है, जैसे फिफ्थ वाला फर्स्ट पे, ये हो गया सेकंड पे, ये आ गया थर्ड पे, ये आ गया फोर्थ पे, और ये आ गया फिफ्थ पे। अब देखो इसको कैसे याद करना है, देखो बेटा ध्यान से इसको कैसे याद करेंगे, देखो इधर देखो कैसे याद करेंगे इसको। जैसे आपके पास क्या है, जिन दो एंगल को प्लस करके 90° आता है, जिन दो एंगल्स को प्लस करके क्या बनता है, 90°। 90° का मतलब क्या, वो एंगल्स क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, उनकी वैल्यू सेम आती है। जैसे 0 और 90 को प्लस करके 90 आता है ना, तो यानी कि जो वैल्यू साइन 0 की है वो वैल्यू कोज 90 की होगी, ठीक है। इसी तरह से 30 और 60 को प्लस करके 90 बनता है ना, जो वैल्यू साइन 30 की है वो वैल्यू कोज 60 की होगी, ठीक है। 45 और 45 को प्लस करके 90 आता है, ठीक है, तो जो वैल्यू साइन 45° की है वही वैल्यू क्या होगी, कोज 45° की। इसी तरह से 60 + 30 90 होगा ना, तो जो वैल्यू साइन 60 की है वो वैल्यू आपके पास कोज 30 की आएगी, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट कर दो। अब 90 + 0 90° होता है, तो जो वैल्यू साइन 90° की आएगी वो वैल्यू कोज 0° की आएगी, समझ गए, ठीक है। तो यानी कि आपने याद क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट लाइन आपको याद करने की ज़रूरत है, उसके बाद क्या करना है आपने, रिवर्स करते जाना बस। अब देखो टेंजेंट थीटा कैसे याद करेंगे, बिल्कुल इजी काम है। अच्छा टेंजेंट का क्या बताया था आपको, अभी बताया था कि टेंजेंट का मतलब क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि जो आपको टेंजेंट की वैल्यूज़ याद करनी है, जो आपको टेंजेंट की वैल्यूज़ याद करनी है, वो आप क्या करो, साइन और कोस वाली वैल्यूज़ को डिवाइड कर दो। कैसे, देखो टेंजेंट 0° कितना आ जाएगा, बेटा हम ऐसे ही लिखते थे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोज थीटा, यानी कि जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल यहाँ पे है और वही एंगल यहाँ पे है। तो अगर टेंजेंट 0° की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मैं साइन 0° और कोज 0° को डिवाइड कर दूंगा ना, साइन 0 0 होता है, कोज 0 1 होता है, तो ये क्या बन गया, 0/1 विच इज़ 0, ठीक है। इसी तरह से टेंजेंट 30° कितना आ गया, साइन 30° अपॉन कोस 30°
साइन 30 डिग्री 1/2, कोस 30 डिग्री रूट 3/2, 2 2 कट गया तो ये कितना बन गया 1/√3। ठीक है, इसी तरह से टेंजेंट 45 डिग्री कितना हो गया, साइन 45 डिग्री अपॉन कोस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री ये है, कोस 45 डिग्री ये है, दोनों कट जाएंगे, आंसर कितना आ गया 1। ओके, इसी तरह से टेंजेंट 60 डिग्री कितना आ गया, साइन 60 डिग्री बाय कोस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू ये है, कोस 60 डिग्री की ये है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आ गया √3। अभी बेटा ये आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, एक दो बार आप टेबल खुद से बना लिया ना, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ इसी स्टेप्स का यूज़ करके आपने खुद ने टेबल बना लिया ना, मैं कहता हूँ कभी नहीं भूलता आपको, ठीक है ना। टेंजेंट 90 डिग्री क्या होगा हमारे पास, साइन 90 डिग्री अपॉन कोस 90 डिग्री, साइन 91 कोस 90 0, और जब नीचे 0 आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, अब देखो आगे 3 बिल्कुल ईजी, कैसे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो कोसिकेंड थीटा होता है ये क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है ना, कोसिकेंड थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कि नहीं, ये रहा, ये क्या होता है 1/sin θ। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, कोसिकेंड 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 डिग्री का रिवर्स, अगर हम 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो 1/0 बन जाता है, जो कि क्या होगा हमारे पास, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब कोसिकेंड 30 डिग्री क्या होगा, साइन 30 डिग्री का रेसिप्रोकल 2। कोसिकेंड 45 डिग्री क्या होगा, साइन 45 डिग्री का रेसिप्रोकल √2। कोसिकेंड 60 डिग्री क्या होगा, साइन 60 डिग्री का रेसिप्रोकल 2 अपॉन √3। ठीक है ना, ऐसे याद करना है। कोसिकेंड 90 डिग्री क्या होगा, साइन 90 डिग्री का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह आपके पास क्या आ गया, सिकेंड थीटा आ गया ना, तो सिकेंड थीटा के लिए भी वही काम करते जाओ, सिकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, सिकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, तो सिकेंड के लिए क्या करो, कोस की वैल्यू को रेसिप्रोकल करते रहो। ठीक है, कोस की वैल्यू को रेसिप्रोकल करते रहो। अब देखो फिर सिकेंड 0 डिग्री क्या होगा, सिकेंड 0 क्या होगा, ये रहा। ठीक है, सिकेंड 0 क्या होगा, कोस 0 का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1। सिकेंड 45 कितना होगा, सिकेंड 30 कितना होगा, कोस 30 का रेसिप्रोकल दैट इज़ 2/√3। सिकेंड 45 क्या होगा, कोस 45 का रेसिप्रोकल √2। सिकेंड 60 कितना होगा, कोस 60 का रेसिप्रोकल 2। सिकेंड 90 कितना हो गया, कोस 90 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। ऐसे टेबल याद करना तुम लोगों ने, ठीक है, कभी नहीं बोलोगे ज़िंदगी में, कभी भी नहीं। अब कोट थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल ना, तो कोट 0 डिग्री क्या होगा, टेंजेंट 0 का रेसिप्रोकल दैट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, और कोट 30 डिग्री कितना होगा, टेंजेंट 30 डिग्री का रेसिप्रोकल √3। कोट 45 क्या होगा, टेंजेंट 45 का रेसिप्रोकल 1। ठीक है, कोट 60 क्या होगा, टेंजेंट 60 का रेसिप्रोकल 1/√3। ठीक है, तो कोट 90 क्या होगा, टेंजेंट 90 का रेसिप्रोकल, अगर ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 0, 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1 हो जाएगा ना, तो 0 ऊपर आ गया तो 0 हो गया। तो बेटा ये था तुम्हारा पूरा टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो ना सारी एक्सरसाइज हो जाएगी, और करने का मेथड मैंने बता दिया, भले आपको हो सकता है इस वक्त तो थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन बेटा इससे मेथड इजी आपको कोई नहीं मिलेगा टेबल बनाने का, 2-3 बार भी खुद टेबल बना लिया ना तुमने ऐसे करके, जैसे मैं बना रहा हूँ, मैं कहता हूँ कभी नहीं भूलता तुम्हें, कभी भूल गया तो कहना, मेरी वीडियो देखनी बंद कर देना कभी भूल गया तो, और बोलो, समझ गए ना, ऐसे ही करो जैसे मैंने किया। अब क्या आ गया हमारे पास, टी रेशोज ऑफ, अब तो बस 10 मिनट का काम रह गया मुश्किल से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मेन ये टेबल ही था, ये टेबल और इसके पहले वाली जो हमने करा ना, बी साइन को लिखते कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं अभी बताया, जिनको प्लस करके 90 डिग्री आता है। ठीक है बेटा, इसका देखो इसको कैसे याद करना है, ऐसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, कोस थीटा के, और सिमिलरली कोस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के, इनकी आपस में पेयरिंग। इसी तरह से टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोटेंजेंट थीटा के, एंड कोटेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, टेंजेंट थीटा के, इन दोनों की आपस में पेयरिंग है। और बाकी दो कौन से बचे, सीकेंट और कोसीकेंट,
इनकी आपस में पेयरिंग होती है, ठीक है। सीकेंट 90 माइनस थीटा को सीकेंट थीटा होता है, और को सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है, ठीक है। ये इनकी आपस में पेयरिंग है बेटा, ये फॉर्मूले याद कर लेना। ये आए कैसे हैं इसका भी प्रूफ है, ठीक है, लेकिन वो मैं अभी करवाऊंगा नहीं, क्योंकि एक तो वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, दूसरा वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, उससे बोर हो जाओगे, ठीक है। इन चीज़ों को याद रख लो कि साइन और कोज आपस में पेयरिंग होती है। साइन 90 माइनस थीटा कोज थीटा होता है, कोज 90 माइनस थीटा साइन होता है। टेंजेंट और कोटेंजेंट की पेयरिंग है, सीकेंट और कोसीकेंट की आपस में पेयरिंग है। अब आप बोलो कि सर ये है क्या, इसको यूज़ कैसे करना है? ये बेटा जैसे हम एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे ना, आपको सब पता चल जाएगा कैसे यूज़ करना, ठीक है। अब लास्ट 2 मिनट बस, क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज, इसके बिना पूरी होगी ही नहीं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ये क्या होती है हमारे पास, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1, ठीक है। उसी तरह से सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1। उसी तरह से कोसीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस कोट स्क्वेयर थीटा, ये क्या होता है, 1। ओके, ये तीन आप आइडेंटिटीज़ याद रख लो, आपकी थर्ड एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा अब ध्यान दो, यहाँ पे एंगल सेम है, मतलब ये नहीं है कि यहाँ तुम 45 डिग्री ले रहे हो, यहाँ 60 डिग्री हो गया, ठीक है, यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री हो गया, ऐसे नहीं। दोनों में एंगल सेम हो फिर वो 1 आता है, ठीक है। साइन 0 प्लस कोस 0 1, साइन 90 प्लस कोस 90 1, ऐसे करके। और ये स्क्वेयर क्या चीज़ है, ये छोटा सा बता देता हूँ बेटा। ये जो स्क्वेयर है ना, जैसे ये साइन स्क्वेयर थीटा लिखा है, इसका मतलब क्या है, साइन थीटा का स्क्वेयर, मतलब साइन थीटा का जो भी आंसर निकल के आएगा उसकी पावर 2, समझ गए। जैसे मान लो मुझे साइन थीटा की ये वैल्यू दे रखी है 3/4, ठीक है ना। तो बेटा साइन स्क्वेयर थीटा का मतलब क्या होगा, कि जो भी साइन थीटा की वैल्यू है उसका स्क्वेयर, यानी कि 9/16, समझ गए। तो ये कंफ्यूज़ नहीं होना कि ये स्क्वेयर क्या चीज़ है, उसी का स्क्वेयर ही है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारी पूरी इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री की, कि हम पूरे चैप्टर में क्या क्या करेंगे। बेटा बहुत ईजी चैप्टर है, ये तीन चीज़ें याद रखना, इसको याद रखना, प्लस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको याद कर लिया ना बेटा। याद क्या करना है, ये देखो बेटा, सिर्फ पहली लाइन याद करनी है तुमने, बाकी कोस का क्या है, रेसिप्रोकल कर देना है, टेंजेंट में क्या है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है, ठीक है। बाकी सारे तो हैं ही रेसिप्रोकल है, याद तुमने कुछ नहीं करना, सिर्फ ये 5 वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, और उसको भी याद नहीं करना पड़े, मैंने तरीका बता दिया ऐसे करके, ठीक है। अगर याद होती हैं तो बेटर है, नहीं तो ये ऐसे काम कर लेना पेपर में, ठीक है ना। बाकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, ये तो रट ही जाएंगी तुमको वैल्यूज़, अगर प्रैक्टिस करोगे तो, ऐसे देख के कुछ नहीं होना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइजेस के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।